इस पर अगर कोई राय हो तो बताइए प्लीज। बिल्कुल हेमंत, एबीबी, सीमेंस, एलएनटी, ये तीनों बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स हैं और देव रन अप क्वाइट अ बिट, लेकिन यहाँ लेने की चेष्टा कीजिए। और इसी से सिमिलर मैं दो नाम लूंगा, टोरेंट पावर और टाटा पावर। टाटा पावर ने अभी रिसेंटली ओडिशा में सप्लाई का जो है वहां पे दे बॉट द स्टेक ओवर देयर, और साथ में रिसर्जेंट पावर जो जेपी की एक एनसीएलटी में वो भी उन्होंने ली है। और साथ में बात ये है कि दीज आर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, तो आपको जेस्टेशन नहीं है, यू जस्ट हैव टू बाय द लॉट एंड ये बहुत कैश अक्रिएटिव है। तो ये यू नो दैट इंटायर बेल्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोक पावर आई थिंक विल बी रॉकिंग इन दिस ईयर। तो टाटा पावर, टोरेंट पावर, एबीबी, सीमेंस, एलएनटी, ये बहुत स्ट्रांग सेक्टर है। साथ में हेमंत, मैं आपको और कहना चाहता हूं कि सीमेंट में हमने दो नाम लिए हैं जो मिड कैप में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट के मुकाबले, वो है एसीसी और इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट की 20 मिलियन टन की कैपेसिटी है अगेंस्ट 104 ऑफ अल्ट्राटेक, लेकिन वो 1/3 ईवी टू एबिटा पे ट्रेड करता है। तो आई थिंक ये 78 रुपए पे इट्स अ नो ब्रेनर। यहाँ पे मैं दावे से कहता हूँ कि सीमेंट विल बी अ एक्सट्रीमली स्ट्रांग सेक्टर, और साउथ में इनकी मार्केट शेयर गेन बहुत स्ट्रांग है। तो एसीसी एंड अल्ट्राटेक एंड अंबुजा, दीज विल बी थ्री नेम्स विच आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द सीमेंट स्पेस। बिल्कुल भसीन साहब, बिल्कुल, जो हमारी खबर स्टॉक बताया था, क्योंकि ये स्टॉक भागता ही जा रहा है, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज मैं देख रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट करीब करीब 13% यहाँ पर बढ़ चुका है, 338 रुपए का भाव है इस समय इस स्टॉक में, और आज खुलने के बाद ये चल रहा है 2.5% ऊपर, अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। अब स्टारबक्स के तो आप काफी बड़े दीवाने हैं। अब बिल्कुल हेमंत, आपको याद होएगा जब आपने टाटा ने अनाउंस किया था कि टाटा केमिकल और टाटा ग्लोबल के कंजम्पशन आर्म को सेपरेट करेंगे, 185 रुपए का भाव था और लोग बाग बहुत दुविधा में थे, वो 185 वाला 330 है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि कंजम्पशन, यू आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रूरल इनकम्स एंड अदर थिंग्स गैदरिंग स्टीम, तो मार्केट इज एक्सट्रीमली बुलिश और टाटा ग्लोबल विल स्टैंड आउट। लेकिन आप टाटा केमिकल को मत इग्नोर कीजिए, उसके जो बिजनेसेस हैं वो फ्लरिश कर रहे हैं, और उसी की एक ओन्ड कंपनी है रैलीज इंडिया, आपके यहाँ 140 पे रेकमेंड किया था, आई थिंक 178 का भाव है। रैलीज इंडिया एक एग्रोकेमिकल में 23% मार्केट शेयर है, और आपने इतनी बढ़िया मानसून देखी है कि रबी क्रॉप विल बी वेरी गुड, और एग्रोकेमिकल का जितना उत्पादन है वो फार्मिंग में जाएगा। रैलीज ने अपना ग्लोबल प्ले भी बहुत स्ट्रांग कर दिया है, और रैलीज मेरा पिक है, 225 का टारगेट। टाटा केमिकल इज माय अगेन अ पिक फॉर अ टारगेट ऑफ 800 रुपीज, और टाटा पावर मैं यहाँ दावे से कहता हूँ 72 रुपए का भाव। तो टाटा स्टॉक्स आर गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल, इंक्लूडिंग टाटा ग्लोबल। ओके, तो यहाँ पे आप जबरदस्त तेजी का रुख देख रहे हैं। हाउसिंग, भसीन साहब, एक और स्टॉक जल्दी से आपकी राय लेना चाहेंगे, इसको देखिए मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है, लेकिन आपको याद होगा हम इसकी बात करीब 350 रुपए के लेवल से कर रहे हैं, आज 500 का लेवल है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पेडिग्री बैंक्स में एसबीआई फाइनेंस, एसबीआई होम, पीएनबी फाइनेंस तो सबसे पुरानी नॉर्थ में कंपनी है, और जैसे आप होम लोन का इनमें और मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं एनबीएफसी पे, तो पीएनबी फाइनेंस प्रदीप एंड एलआईसी हाउसिंग, ये बहुत मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं और लोएस्ट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, इनफैक्ट 7.5-7.5% पे इनको एफडी मिल रहा है, और लेंडिंग इज अगेंस्ट एट अराउंड 11.5-12%, तो इनके तो मार्जिन्स विल बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव इन द नेक्स्ट 3-6 quarters। क्या कहते हैं आपके, देखिए बाजार खुलने के बाद इस कंपनी पे बहुत वक्त के बाद नजर पड़ रही है, भसीन साहब आपकी राय लेना चाहेंगे। पिछले 2-3 quarter थोड़े मुश्किल भरे थे, और एक बड़े निवेशक थे जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा बहुत जोर से बेचा, ये बातें बाजार के सारे लोगों को पता ही है, जिसकी वजह से ये स्टॉक बहुत तेजी से गिरा। अब कैसे देखते हैं आप इसको फंडामेंटली? हाँ देखिए, कई शेयरों में गिरावट अनुमान से ज्यादा हो गई थी बिकॉज ऑफ ओनरशिप और जो इम्पैक्ट कॉस्ट होता है। आपने बहुत अच्छा टिप्पणी की, अगर अभी इंडस्ट्री चलेगी, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई, एस्बेस्टोस, तो रेन कैलेंसिंग, रेन इंडस्ट्रीज इज वन पिक। मैं यहाँ ये भी दो नाम लूंगा जिसमें इन्वेस्टर बहुत फंसे हुए हैं 2017 से, ग्रेफाइट और एचईजी। ग्रेफाइट एंड एचईजी बहुत इलेक्ट्रोड्स में है, और वो एक स्टील इंडस्ट्री स्ट्रोक ऑटो में जाएगी, और हमें जैसे मैंने हेमंत को कहा, अगर कंस्ट्रक्शन रियल इस्टेट 2020 का है तो ऑटो विल बी फॉलोइंग इन सूट, क्योंकि ऑटो में जो अंडरपिनिंग था वो सब हो गया है, और अगर ऑटो अच्छा करता है इंफ्रा के साथ तो स्टील इंडस्ट्री एंड एज अ कॉरिलेटरी टू दैट इलेक्ट्रोड्स विल डू वेल।
तो रेन कैलेंसिंग आपका HEG और ग्रेफाइट इनमें भी आपको लेने की चेष्टा करनी चाहिए। थोड़ा अभी लीजिए, थोड़ा डिक्लाइन पे, लेकिन जैसे गिरे हैं ये वैसे ही वापस जा सकते हैं, मीनिंग दे कैन गिव यू 30-40% रिटर्न इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। जबकि देखिए रैली